नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में टिकटों के मंथन के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठक हो रही है। वहीं दूसरी ओर टिकटों के दावेदारों में से कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो कुछ ऐसे दावेदार भी हैं जिनको ये लग रहा है कि उनका टिकट फाइनल है, लिया जाए। अपने लोकसभा क्षेत्र में एक तरीके के प्रचार में जुटे हुए हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से दावेदारों में सबसे प्रबल मानवेंद्र सिंह इन दिनों लगातार क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अंदर खाने इस बात की भी खबर है कि पार्टी ने मानवेंद्र सिंह को इशारा कर दिया है कि उनका टिकट पक्का है, लिहाजा मानवेंद्र सिंह प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को मानवेंद्र सिंह ने कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें उनके साथ शिव विधानसभा से विधायक अमीन खान, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान सहित दर्जनों कांग्रेस के नेता साथ नजर आए। मानवेंद्र सिंह ने बालोतरा शिवानी सहित समदड़ी के कार्यकर्ताओं से अपने जसोल निवास पर मुलाकात की, वहीं कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। पिछले 3-4 दिन से जिस तरह का घटनाक्रम बाड़मेर जैसलमेर कांग्रेस में दिखने को मिला है, उससे तो यही लग रहा है कि पार्टी ने मानवेंद्र को टिकट के लिए हाँ भर दी है। गौरतलब है कि बाड़मेर जैसलमेर के लिए कांग्रेस की ओर से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी और उन्होंने 3 दिन पहले ही राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइए। धन्यवाद।